गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बेस इनसाइड। लास्ट वाली वीडियो में हमने बात की थी अपर बॉडी की फोम रोलिंग, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे आपको फॉर्म मेंटेन रखनी है ड्यूरिंग फोम रोलिंग। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज चेक इट आउट फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग विद दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोअर बॉडी की फोम रोलिंग हम कैसे कर सकते हैं और उसमें आपको फॉर्म कैसे आपको मेंटेन रखनी है ताकि आप अपनी बॉडी में कोई और इंजरी ना करें। स्टार्ट विद आकली स्टैंडिंग टू काफ। तो लोअर हमने स्टार्ट करना है लोअर पॉइंट से और अपर तक हमको लेके जाना है और वी नीड मिनिमम 20 रेपिटेशंस। सो वन अप डाउन, दिस इज वन रेपिटेशन। सो हमें 20 रेपिटेशन मिनिमम 30 रेपिटेशंस तक कर सकते हैं। आप उसको घुमा सकते हो सो दैट आपकी जो काफ है वो प्रॉपर फॉर्म रोल हो। ओके, आफ्टर द काफ वी गोना डू आवर हिप, मेकिंग श्योर व्हेन यू डूइंग फॉर्म रोलिंग फॉर योर हिप तो आपको जो फॉर्म रोलर है इसको सीधा नहीं रखना, इसको आपको स्लाइटली टिल्टेड रखना है क्योंकि जो फाइबर हमारे हिप में है वो इसी पोजीशन में रहते हैं। तो यू हैव टू सेट लाइक दिस, कि पैर आपका स्टेबिलिटी बनाए रखेगा और आपको सिर्फ यही हिप मूव करना है। 2, 3। अगर आपके हिप टाइट है तो आपको काफी बार आपकी बैक इंजरी हो सकती है, तो हिप को आपको ज़्यादा फोम रोल करना है क्योंकि अगर आपका हिप टाइट है तो आपके नीज भी वीक हो जाएंगे, आपकी जो फीट की पोजीशन है वो भी चेंज हो जाएगी और आपकी लोअर बैक भी प्रॉब्लम में रहेगी। तो कभी भी आप कोई भी ट्रेनिंग करोगे, कोई डेडलिफ्ट आप लगाओगे तो आपका हिप जो है वो उसको ज़्यादा टाइट है तो वो ज़्यादा मसल्स को अपनी तरफ खींचेगा तो उससे आप इंजर्ड हो सकते हो। तो मेक श्योर कि आप अपने हिप को फोम रोल ज़रूर करो। अगर आप लेग ट्रेन कर रहे हो, बैक ट्रेन कर रहे हो, चेस्ट ट्रेन कर रहे हो या इवन आर्म्स, एवरी डे यू शुड फॉर्म रोल योर हिप। आई एम गोना डू अ हैमस्ट्रिंग, गोना कीप द फॉर्म रोल स्ट्रेट, पुट आवर वेट ऑन इट। यू कैन यूज बोथ लेग्स और सिंगल लेग भी कर सकते हैं, हम बोथ भी कर सकते हैं। Okay, now we're gonna do our IT band. अगर आपको नी पेन रहती है, आपको जब आप लिफ्टिंग करते हो, डेड लिफ्ट कर रहे हो, आपको इस साइड पे आपके ज़्यादा खिंचाव रहता है तो इस अगर ये IT band अगर आपका टाइट है तो आपकी जो डेड लिफ्ट है वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं होगी, आप स्क्वाट भी प्रॉपर नहीं कर पाओगे क्योंकि इफ दिस इज टाइट ये इसको अपनी तरफ खींचेगा तो आपकी जो मोबिलिटी है, जो आप नीचे जाके आप ऊपर आना चाहते हो उसकी मोबिलिटी को ये कम करता है। तो मेक श्योर आप IT बैंड को भी रेगुलरली आप फॉर्म रोल करो। सो द वे टू डू इट इज ये लाइक मेरी बैलेंस करेगी फॉर्म रोलर के ऊपर और मेरा वेट जो है बॉडी का वो मैंने आगे रखा है और ये मेरी जो लाइन है इसके ऊपर ही मैंने इसको फॉर्म रोल करा। तो लेट्स सी, वन अगेन, वन अप डाउन मींस वन रैप। सो वी नीड टू डू 20 टू 30 रेपिटेशंस। अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म रोलिंग कर रहे हो, द फर्स्ट टाइम आई डिड इट माय मसल्स वर सोर लाइक एनीथिंग, तो इतनी ज्यादा पेन थी मैंने सोचा कि शायद मैंने कुछ गलत कर लिया, बट आफ्टर 2 to 3 days मेरे मसल की स्पीड ज़्यादा हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा थी उसमें, सोरनेस कम थी, उसकी स्ट्रेंथ और पावर भी ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स ज़्यादा हो गई। तो आई स्टार्टेड डूइंग फोम रोलिंग एवरी डे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा मेरी फ्लेक्सिबिलिटी, माई स्ट्रेंथ और माई एंजोरेंस सभी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। तो अगर आप भी करोगे तो यू विल फील अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम फोम रोलिंग। And done. All right. Now we have done the calves. We have done our IT band, our hips, our hamstring. Let's start with the adductor.
कीप योर अदर लेग स्ट्रेट और इसको आपने 90 डिग्री पे ही रखना है और ये प्रेशर हमें इस पर बना के रखना है और आप अपने एल्बोस को आगे रखो ताकि आपकी बॉडी जो है बैलेंस कर पाए। आपने मूव करना है फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड और ये अगेन वी विल डू 20 रेपिटेशंस। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा चैलेंजिंग लगेगा मूव करना, बैलेंस बनाना, बट अगर आप फॉर्म को प्रॉपर देख रहे हो और आप लर्न कर रहे हो तो आपको ये डिफिकल्ट नहीं लगेगा। इसके आपको बेनिफिट्स जो है वो आउटवे करते हैं किसी भी स्ट्रेचिंग रूटीन को। अगर आपके एडक्टर्स टाइट है तो फोम रोलिंग से हम उनको रिलीज कर सकते हैं। ओके, लास्ट एक्सरसाइज इज आवर क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स में आप सिंगल भी कर सकते हो बट आई प्रेफर टू डू बोथ क्योंकि वो टाइम सेविंग भी है और उससे हमारा जो बैलेंस है वो भी ज़्यादा बढ़िया बन जाता है। मेक श्योर इसमें भी हमने अपने बैक को आर्च नहीं करना, नीचे डिप नहीं होने देना बैक को, हमें बैक अप रखनी है अपनी ताकि हम अपनी बैक को इंजर ना करें। अप एंड डाउन 20 टू 30 रेपिटेशंस एंड रिलैक्स। एंड डन, दिस इज एंड ऑफ आवर फोम रोलिंग रूटीन। जब भी आप फोम रोलिंग फिनिश करते हो उसके बाद आपको एटलीस्ट 10 टू 12 मिनट्स की स्टैटिक स्ट्रेचिंग भी करनी चाहिए। हमारा 21 डे फ्लेक्सिबिलिटी चैलेंज भी है, सो चेक इट आउट। इसके बाद हमें स्टैटिक स्ट्रेचिंग करनी है और भी मोबिलिटी और भी मसल में जो टेंशन है उसको रिलीज करने के लिए। तो अगर आप फोम रोलिंग रूटीन में अपने डालना चाहते हो तो एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स अ वीक आपको फोम रोलिंग करनी ज़रूरी है। उससे आपकी मसल की स्ट्रेंथ, उसकी एजिलिटी, उसकी स्पीड, उसकी मोबिलिटी और उसकी पावर सभी में इम्प्रूवमेंट होगी अगर आप इसको प्रॉपर करते हो। और जो फॉर्म मैंने आपको बताई है प्लीज़ मेक श्योर यू गो थ्रू विद द फॉर्म और इसमें कोई जल्दबाजी मत करना। लर्न द फॉर्म एंड देन स्टार्ट विद द फोम रोलिंग रूटीन। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू लाइक इट प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम आपको एक स्ट्रेचिंग रूटीन भी बताएंगे जिसमें आप प्रॉपर अपनी बॉडी को फुल बॉडी स्ट्रेच कर सकते हो आफ्टर डूइंग योर फॉर्म रोलिंग। टिल देन सी यू।